हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं एक और न्यू वीडियो के साइड। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं, मैं बनाती हूँ ज्यादातर सीजनेबल सब्जियाँ। तो आज हम बनाएंगे सहजने की फरी। इसको बहुत से लोग बोलते हैं मुगना की फरी। बस मैं तो यही दो नाम जानती हूँ, बाकी आप कुछ और नाम से जानते हो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और ये है ना, मैंने पहले से ही इनको है ना साफ करके रखा है। तो और ये मैंने ना बिना साफ करे रखी है, तो मैं ये बता देती हूँ मैंने कैसे साफ करती हूँ। इनको इस तरह खींच लेती हूँ और इस तरह खींच लो, तो क्या ये दोनों जल्दी से साफ हो जाते हैं। और इनको आज मैं है ना छिलके से बहुत अच्छे से अंदर से गहराई से खींच रही हूँ, ताकि ये ना हमें फेंकने नहीं पड़े। हम ये सब्जियाँ खाते हैं ना तो फेंक देते हैं, तो आज मैं आपको वही वाली बता रही हूँ। सिर्फ हम अंदर से इसकी गुदाई गुदाई की सब्जी बनाएंगे, तो हमें बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं लगेगी खाने में, और ये बहुत अच्छी लगेगी। सारी फलियां हम ऐसे ही साफ कर लेंगे। तो ये हमने अच्छे से छिली, इनके ना इतने गहरे गहरे छिलके निकाले हैं, देख रहे हैं आप बहुत गहरे हैं। तो हमें ऐसे ही छिलके निकालने हैं इनको, और इन्हें हम फेंक देंगे बाहर। अब इनको मैं क्या करूँगी, इन्हें करेंगे हम बॉयल पानी में। तो मैं हम गैस की तरफ चलते हैं। इसको मैंने ऑन किया है, इस पर चढ़ाया है एक पैन, इसमें डालूंगी मैं एक गिलास पानी। इसके अंदर डालेंगे हम ये फली, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है गाइस। आज जो ना खाएं वो भी खाएं। अब इसमें डालूंगी मैं नमक, ये डल गया नमक। नमक हमें ना बहुत कम रखना है, क्योंकि हमें सब्जी में भी डालना है। अब इसमें डालूंगी मैं हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे कवर करके रख देंगे, एकदम बॉयल हो जाएगी, पक जाएगी, उसके बाद इसको हम खोलेंगे। तो हम देखते हैं हमारी फली की क्या पोजीशन है। हाँ, ये अच्छे से फूल भी गई है, और ये चिमटा से दबा के एकदम पक गई है। हम इसको बाहर लेते हैं हम, और इसे पानी से बाहर निकाल देते हैं। तो गैस, अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। तो ऑयल आप जैसा खाना चाहें आप उसी हिसाब से डालें। मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। हम ज़्यादातर है ना सरसों का ही ऑयल खाते हैं, सब्जियों के लिए तो बहुत बेस्ट रहता है। मैंने ऑयल डाल दिया है 2 चम्मच के करीब। अब ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो गैस, ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया, इसमें मैं डाल दूंगी जीरा। तो जीरा भी हमारा भुन जाएगा, तभी हम इसमें डालेंगे प्याज। तो गैस, मेरा ये जीरा भुन चुका है। ये मेरे पास है ना 4 बड़ी सी प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो इसमें मैं डाल दूंगी प्याज को। प्याज को हमें ना एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे, तब तक इसमें कुछ नहीं डालेंगे। इसको ना बहुत अच्छा सा भुनना है, इसका कच्चापन नहीं, एकदम गोल्डन ब्राउन चाहिए, एकदम खुशबू आने लगे प्याज की, तब तक इसको हम ऐसे ही भूनते रहेंगे। और ये है मेरा मैजिक, यानी नमक। नमक मैंने अभी डाल दिया है। अब मैं नमक को नहीं डालूंगी, क्योंकि हमारी है ना फली जो हमने बॉईल की थी उसमें हम नमक डाल चुके थे। अब जितना मुझे नमक डालना था मैंने इसमें डाल दिया। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, जैसा आप खाना चाहें। अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो हमारा प्याज है ना अच्छा सा भुन गया है, और अच्छे से खुशबू आने लगी। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची है ना मैंने प्याज के बाद ही डाला है, क्योंकि इसमें अच्छी लगती है थोड़ी प्याज। अब इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर। टमाटर मेरे पास 4 थे, इसकी भी मैंने अच्छे से प्यूरी बना ली, इसको अच्छा सा पीस लिया है। तो हमें ना मैं प्याज की उस प्याज के साथ ही हम टमाटर को भून लेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। अब मेरा टमाटर भी प्याज के साथ अच्छा सा भुन गया है। अब इसमें आती है बारी मसालों की। तो इसमें 1/2 चम्मच डाला है हमने मिर्ची का पाउडर, और इसमें मैं डालूंगी भर के धनिया का पाउडर 2 चम्मच धनिया पाउडर, ताकि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बने। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये क्या है स्वाद बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें डालेंगे हम पानी, ताकि हमारा मसाला भुन जाएगा। मैंने इसमें डाला है 1/2 कटोरी पानी, इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ताकि ये अच्छे से मसाले की ग्रेवी बन जाएगी। पहले मसाला को हमें अच्छा सा भूनना है इसमें। अब इसको तब तक भूनना है तब तक इसमें ना ऑयल ना बाहर निकलने लगे। इसी तरह चलाते हैं। तो गाइस, देख रहे हैं आप मसाले इतना अच्छा सा भुना है कि एकदम इसका ऑयल भी निकलने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे फली जो हमने बॉयल करके रखी थी, इसमें डालेंगे ये फली को। और गाइस, ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आपके घर में ना एक बार इस तरीके से जिस तरह मैंने बनाई ना आप खाओगे ना, तो आपके घर में भी
बार बार मंडी के लिए कोई जाएगा ना सब्जी लेने के लिए, तो आप इसी फली को मंगाओगे। अब इसमें डालूंगी मैं पानी ताकि ये अच्छी सी और पक जाए। इसमें हम पानी डालेंगे, पानी आप अपने हिसाब से रख सकते, आपको सूखा खाना हो तो आप इसको सूखी भी खा सकते हैं मसाले वाली, और आपको हल्की सी लिक्विड फॉर्म में खानी हो तो आप इसको, इसकी थिकनेस आप पतली भी रख सकते हैं। तो मैं अभी है ना इसको इतना ही पकाऊंगी पानी में, अब इसे हम ढक के पकाएंगे ताकि ये फली भी मसालों का रस तीखापन इसमें आ जाएगा। इसे मैं ढकती हूँ, अब इसको हम एकदम कम आंच पे पकाएंगे। इसको पकने देते हैं, इसको देखेंगे 5 मिनट के बाद, देखते हैं सब्जी की पोजीशन क्या हुई है। वाओ शानदार दिख रही है, ये बहुत अच्छी पकी है। अब गाइस यानी फाइनली हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब इसमें डालेंगे हम खुशबू के लिए कसूरी मेथी, इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे, इससे बहुत ही स्वादिष्ट। अब इसमें जाएगा सिग्नल जो हमारी सब्जी का संकेत देता है, हम बन चुके हैं। ये है हरा धनिया, और गाइस ये देसी वाला धनिया है, थोड़ा मुझसे बड़ा बड़ा कटा है, जो खुशबू आती है ना वही धनिया है, ये मुझे बहुत पसंद है, उसमें फूल से आते ना ये वही वाला धनिया है। अब मैं गैस को करती हूँ बंद, इसमें डाल जाएगी एक और चीज जो इसके फ्लेवर को और भी बढ़ाएगी, वो है हींग। मैं हींग को कुछ सब्जियों में बाद में ही डालती हूँ ताकि ये और भी अच्छी बने। अब गैस को करते हैं बंद, इसको मैं लेती हूँ दूसरे बर्तन में। तो गाइस फाइनली मेरी सब्जी खाने के लिए तैयार है, और गाइस इतनी स्वादिष्ट बनी है, इतनी कि आप इसको बनाओगे ना तो बोलोगे कि हाँ हमने ये पहले क्यों नहीं सीखी थी। तो गाइस जिस तरह मैंने बनाई है ना आप उसी तरह फॉलो करोगे ना तो मेरी जैसी ही सब्जी आपकी बनेगी। आपके घर में जो 2 रोटी खाता है वो 4 रोटी खाएंगे, और बच्चे भी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ना तो वो भी मांग मांग के खाएंगे अगर आपने इस तरह बनाई। और मेरी इस रेसिपी को आप लाइक करना, मेरी इस रेसिपी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, तो मैं ऐसी वीडियो लेके आऊंगी। टेक केयर, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना, मेरी इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, तो मैं ऐसी वीडियो लेके आऊंगी। टेक केयर।